नॉर्मल रेट है, ठीक है। और भैया जी का चाय जैसा कि देख सकते हो, ये रहा पिंक चाय। तो भैया थैंक यू चाय पिलाने के लिए। हे गाइस, वेलकम बैक विद द अनदर वीडियो। तो इस वाले ब्लॉग में मैं जा रहा हूँ धनबाद स्टेशन। धनबाद स्टेशन में एक पिंक चाय मिलता है जो कि बहुत ही ज्यादा फेमस है, तो मैं वहां जाऊंगा। एंड पिंक चाय कैसे बनता है, कितना प्राइस में आता है और कहाँ पे पिंक चाय मिलता है, ठीक है, प्रॉपर एड्रेस मैं बताने वाला हूँ आप लोगों को। तो ब्लॉग बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि पिंक चाय बहुत ही ज़्यादा फेमस है धनबाद में। तो चलिए चलते हैं। और अभी का जो टाइम है वो अभी 12 बज रहा है, ठीक है। तो ब्लॉग इस बार बहुत ही लेट से स्टार्ट हुआ है और मैं अभी नाश्ता करने के लिए जा रहा हूँ। तो चलिए पहले मैं आपको दिखा देता हूँ नाश्ता, कि आज मैं नाश्ते में क्या कर रहा हूँ, एंड फिर ब्लॉग को यहीं पर कंटिन्यू करते हैं। तो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हो, अभी है मेरा नाश्ते में ब्रेकफास्ट, जो कि है रोटी, भुंजिया, ठीक है, अचार, और ये रहा प्याज एंड दूध, और ये रहा बोतल, ठीक है। तो चलिए यहीं पे। तो गाइस, नाश्ता वगैरह हो गया कंप्लीट और अब जा रहे हैं धनबाद, ठीक है। तो चलिए जल्दी से शूज वगैरह पहन लेते हैं और उसके बाद चलते हैं हम लोग धनबाद की ओर। आ गया अभी जयराम भैया, अभी वहाँ पे वेट कर रहे हैं, बहुत देर से कॉल कर रहे थे। तो चलिए मिलाते हैं जयराम भैया से, क्योंकि आज जयराम भैया ट्रीट देंगे, ठीक है। तो आज मैं पहनने वाला हूँ वाइट पे ब्लैक, तो जो कि ये रहा मेरा। तो 1 2 3, तो जैसा कि आप देख सकते हो। और अब चलिए चलते हैं बाहर, ठीक है। जयराम भैया बहुत देर से वेट कर रहे हैं, तो भैया जयराम भैया से मिल लिया, ठीक है। और अब हम लोग जा रहे हैं जयराम भैया, जयराम भैया को दिखा देते हैं, आज स्मार्ट लग रहे हैं बहुत देर से, ठीक है। आज का पार्टी आप ही दीजिएगा ना। हाँ भैया, हाँ हाँ, चलिए ठीक है। सकते हो गाइस, ये रहा हमारा ओवर ब्रिज के जस्ट नीचे में, ठीक है, बाईपास धनबाद सिटी स्कूल वाले जाने में। यहाँ पे हर साल मेला लगता है, ठीक है। और ये रहा इधर मज़ार, तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है क्योंकि आज है हम लोग का ईद मिलादुलनबी, ठीक है, जिसमें हम लोग जश्न करते हैं। तो अभी आप देख सकते हो यहाँ का लोकेशन, सब बच्चे लोग खेल रहे हैं। चलिए बाजार एट जराम। तो अभी हम और जयराम भैया जा रहे हैं टैटू शॉप पे, टैटू दिखाइए जयराम भैया अपना, रिफिल करवाने के लिए। इनका जयराम भैया टैटू ऐसा है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं। जैसा कि देख सकते हो, ये रहा टैटू शॉप और उनको भी शॉप करवाना है टैटू, तो चले चलते हैं अंदर। तो गाइस, जयराम भैया करवा रहे हैं टैटू अपना रिफिल, ठीक है। और मैं भी वॉशरूम आया हुआ था थोड़ा फ्रेश होने के लिए, बहुत ही ज़्यादा ट्रेवल करने के बाद थोड़ा सा डस्ट वगैरह हो गया था। तो चलिए मैं मिलता हूँ वहीं पे जहाँ पे जयराम भैया टैटू रिफिल करवा रहा हूँ, वो मैं भी दिखाऊंगा आपको, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आगे। जयराम भैया का टैटू, दर्द हो रहा है क्या? दर्द हो रहा है। टैटू शॉप ऑफ बिग बाजार ऑन 3rd floor। तो गाइस, अब हम लोग जा रहे हैं पिंक चाय पीने के लिए धनबाद स्टेशन, ठीक है। और जयराम भैया का टैटू वगैरह हो गया कंप्लीट, तो चलिए चलते हैं धनबाद स्टेशन के पास, मिलेंगे हम लोग, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आगे। पैराग्लाइडिंग।
तो गाइस फाइनली पहुंच चुके हैं धनबाद स्टेशन, ठीक है। और ये जस्ट अपोजिट मंदिर के जस्ट अपोजिट में ही है। मैं अभी आपको शॉप दिखाता हूँ और वहाँ जा कर के भैया से पूछेंगे कि कैसे बनाते हैं पिंक चाय और क्या भी बहुत सारा चीज़, ठीक है। तो चलिए चलते हैं दुकान पे। और जयराम जी अभी अभी देख रहे हैं पूरा बाल जा रहे हैं, तो चलिए चलते हैं। गाइस जैसा कि आप लोगों ने देखा, ठीक है, सिनेमैटिक्स के थ्रू, और अभी हम और जयराम से पिंक चाय का मजा ले रहे हैं, ठीक है। तो कैसा लग रहा है जयराम पिंक, ठीक है। तो गाइस आप लोग भी आओ और पिंक चाय पियो, पिंक चाय बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो अभी मैं आप लोगों को लेकर के चलता हूँ, अंकल से बात करवाता हूँ और बताता हूँ कि पिंक चाय बनाने में क्या क्या इंग्रेडिएंट लगता है और कितना प्राइस है इसका और यहाँ कौन कौन से टाइप के यहाँ पे चाय और भी मिलते हैं, ठीक है। चलिए मैं आपको बैक कैमरा, चलिए भैया जी से बात करते हैं और पूछते हैं कि पिंक चाय में क्या क्या डाले हैं। और दुकान सबसे पहले बताइएगा कि कितने से कितने बजे तक खुला रहता है? 24 घंटा दुकान खुला रहता है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा, हाँ, पप्पू। पप्पू भाईजान नाम है इनका, ठीक है। और चाय में आपने क्या क्या मिलाया पहले थोड़ा सा बता दीजिए। दूध है, चीनी है, चाय पत्ती अलग होता है, चाय पत्ती अलग होता है। और मैं भी आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पिंक चाय के साथ साथ और भी बहुत सारे इंग्रेडिएंट मिलता है, जो कि मैं अभी आपको बैक कैमरे से दिखाता हूँ, ठीक है। रहा हमारा पप्पू भाईजान का दुकान, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और इनका पिंक चाय बहुत ही ज़्यादा फेमस है यूट्यूब पे। तो आई होप आप लोग आओ, इन्जॉय करो, और इनका बिहेवियर भी बहुत ही अच्छा लगा। और ये रहा भैया जी का दुकान, जहाँ की तंदूरी चाय, मसाला चाय, कॉफ़ी चाय, गुलाबी चाय, और रेट भी आप देख सकते हो गाइस कुछ ज़्यादा ये नहीं है, बहुत ही नॉर्मल रेट है, ठीक है। और भैया जी का चाय जैसा कि देख सकते हो, ये रहा पिंक चाय। तो भैया थैंक यू चाय पिलाने के लिए, ठीक है। तो चलिए जो भी आएंगे यूट्यूब से तो उन लोग को भी एक बार पिलाइएगा जरूर, ठीक है। भाई ये पिंक चाय के लिए मैं करीबन 10 किलोमीटर ट्रेवल करके आया हूँ, ठीक है, चाय पीने के लिए। और वाकई में 10 किलोमीटर जो मैंने ट्रेवल किया, वो भैया ने पिंक चाय पिला करके रेस्ट दिलवा दिया, बहुत ही अच्छा चाय लगा। तो आए आप लोग आओ, चाय पियो, बहुत ही अच्छा है पप्पू भाईजान का चाय। और लोकेशन जैसा कि आप देख सकते हो, मैंने आप लोगों को दिखाया। और अगर कोई भी कन्फ्यूज़न रहता है तो आप कमेंट्स करो, ठीक है, मैं सबका कमेंट्स का रिप्लाई करूँगा। और एक बार आप विजिट ज़रूर करो, ठीक है, तंदूरी चाय दुकान। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तो अभी के लिए बाय।